हेलो एवरीवन, दिस इज सरफराज। आप देख रहे हैं सुपर हीरो मल्टीवर्स। तो दोस्तों, इस बार मैं इतना जो मुस्कुरा रहा हूँ, सच में कोई गम है जिसे छुपा रहा हूँ। एक्चुअली कहने का मतलब ये है कि रिसेंटली ये अपडेट सुनने को मिली है कि आज डीजे का आयरन मैन जो है वो एमसीयू में रिटर्न नहीं करने वाला है, बल्कि एमसीयू वालों का तो कुछ और ही प्लान है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। वैसे हम फैंस के लिए तो ये काफी सैड न्यूज है, जिसके लिए मैं भी बहुत दुखी हूँ, बट लेट्स सी एमसीयू क्या करते हैं आगे। तो अगर आप आज डीजे के आयरन मैन के फैन है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए खोलता हूँ मैं अपने इन्फॉर्मेशन का पिटारा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एमसीयू वालों ने आज डीजे को एक आइकॉनिक एंडिंग दे दी थी एवेंजर्स एंड गेम मूवी में, जिसके बाद भी बहुत सारे रॉबर्ट डाउनी जूनियर के फैंस जो थे वो चाहते थे कि आज डीजे के आयरन मैन हमें फिर से एमसीयू में देखने को मिले। एंड बहुत लोग स्पेकुलेशन भी करने लगे थे, यहाँ तक कि मैंने भी बहुत सारी वीडियोस बनाई थी। जिसके बाद कुछ दिनों पहले ही केविन फैगी ने ये कंफर्म कर दिया था कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के इवेंट में जितने भी मार्वल के कैरेक्टर्स लाइव एक्शन मूवीज में देखने को मिले हैं वो हमें इस मूवी में अपीयर होते हुए देखने को मिलेंगे। जिसको सुनने के बाद तो सब लोग हो गए थे कि एक्समैन के जो पुराने मेंबर्स हैं, पुराने वाले जो फैंटास्टिक फोर है, आर डीजे का आयरन मैन, क्रिस इवांस का कैप्टन अमेरिका एंड ब्लैक विडो, ये सब जो है सारे रिटर्न करने वाले हैं एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स मूवी में, जिसको लेकर हम लोग बहुत खुश हो गए थे। एंड मैंने खुद भी एक डिटेल वीडियो बनाई थी इसके ऊपर। जिसके बाद फिर से ये न्यूज भी सुनने को मिली कि आर डीजे का आयरन मैन जो है वो एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स मूवी में तो रिटर्न करेगा ही, जिसके साथ साथ उसका एक अपीयरेंस आर्मर वॉर्स के मूवी में भी देखने को मिलेगा। जिसको सुनने के बाद तो हम लोग फूले नहीं समा रहे थे। एंड इसके बाद खुद आर डीजे ने किसी इंटरव्यू में ये बोल दिया था कि मे बी वो अब एमसीयू में रिटर्न कर सकते हैं, जिसके बाद तो हम फैंस बहुत ज्यादा खुश हो गए थे कि भाई मजा ही आने वाला है, कम से कम आज डीजे का आयरन मैन तो देखने को मिलेगा। जिससे रिलेटेड हम लोगों ने ये स्पेकुलेशन बनाया था कि जो मेन यूनिवर्स का आज डीजे है वो तो रिटर्न नहीं करेगा, बट किसी अल्टरनेटिव यूनिवर्स से हमें एक आज डीजे के आयरन मैन का वेरिएंट देखने को मिलेगा, जो कि एक अच्छी स्पेकुलेशन थी, क्योंकि अभी एमसीयू में द मल्टीवर्स सागा चल रहा है। जिसके बाद कुछ फैंस ने ये भी स्पेकुलेट किया था कि हमें एमसीयू में दोबारा मेन यूनिवर्स का आज डीजे का आयरन मैन भी देखने को मिल सकता है एआई के फॉर्म में, जो कि एक अच्छी स्पेकुलेशन थी, क्योंकि कॉमिक्स में भी ऐसा हो चुका है। इससे रिलेटेड मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है, अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर फ्लैश होता हुआ दिख रहा होगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। जिसके बाद तो हम फैंस को पूरी तरह से यकीन हो गया था कि भाई अब मजा आने वाला है, क्योंकि आज डीजे का आयरन मैन जो है एमसीयू में रिटर्न आने वाला है। लेकिन इसके बाद आती है एक सैड न्यूज। रिसेंटली हुआ यह है कि एक इंटरव्यू के दौरान एमसीयू के वन ऑफ द को प्रोड्यूसर स्टीफन ब्रोसार्ड से जब ये पूछा गया कि उनका क्या ख्याल है आज डीजे के रिटर्न पर, तो उन्होंने इन सारे स्पेकुलेशन पे रोक लगाते हुए ये बोल दिया है कि आज डीजे का जो आयरन मैन है वो एमसीयू के पुरानी चीज थी, मतलब अब ये लोग नए सुपर हीरोज पर ज्यादा ध्यान देने वाले हैं, जो कि डायरेक्ट हिंट था कि मे बी एमसीयू में आज डीजे का आयरन मैन हमें फ्यूचर में देखने को नहीं मिलने वाला है, बल्कि ये लोग नए सुपर हीरोज पर ज्यादा ध्यान देने वाले हैं। एंड इसके बाद मैं केविन फैगी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में कम से कम उनका एक अपीयरेंस होना ही चाहिए। सो आई एम रिक्वेस्टिंग केविन फैगी दैट प्लीज प्लीज मेक ए कैमियो ऑफ आज डीजे इन एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स मूवी। वेल, आप लोग भी आज डीजे के आयरन मैन को लेकर यही सब सोच रहे होंगे। वैसे आपके इस पर क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, था तो ये एक सैड न्यूज, लेकिन आपका भाई जो है सुपर हीरो से रिलेटेड हर न्यूज को कवर करता है, तो इस न्यूज को भी मैंने कवर कर दिया है। मानता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी नहीं लगी होगी, लेकिन मैंने अपडेट दिया है, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। वैसे इस वीक के न्यूज ऑफ वर्सेस के अपडेट्स को जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर फ्लैश होता हुआ दिख रहा होगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहीं पर मैं अपने इन्फॉर्मेशन के पिटारे को बंद करता हूँ। आई होप यू ऑल एंजॉय, टेक केयर, स्टे सेफ, फिर मिलेंगे मल्टीवर्स में। थैंक्स।